चरण जो अनशन का है 21 दिन का उसका अंत है, मगर ये सिलसिला या आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें मैं जो यहाँ पर आज 7-10 हजार लोग जमा हुए हैं उनका तो धन्यवाद करता ही हूँ, और जो पिछले 20-21 दिन में 40
20,000 के करीब लोग हमसे जुड़े हर दिन, और उससे पहले 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में जुड़े, तो ऐसा करके लगभग 60-70,000 लोग जुड़े, जो कि पूरे लद्दाख के वयस्क जनसंख्या का एक तिहाई आबादी हो जाता है। और उधर कारगिल में हमारे साथी ऐसा ही अनशन कर रहे हैं, वहाँ भी दसियों हजारों में लोग जुड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा जनमत क्या हो सकता है लोकतंत्र में। और लद्दाख के बाहर कितने ही नागरिक हजारों दसियों हजारों बल्कि लाखों में हमें समर्थन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में निकल के आके सभाएं कर रहे हैं, एक दिन का अनशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरे भारत का है। ये संघर्ष लद्दाख के संरक्षण की तो है ही, अब ये सत्य के संरक्षण की भी है, ये लोकतंत्र के संरक्षण की भी है। तो वो हर नागरिक जिन्होंने हमें समर्थन दिया दूर से, जिनके इस समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ा, हम सब मिलके भारत को एक उत्तम राष्ट्र, सचमुच में महान राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Come on!